राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी पूछती है, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे माता पिता कहाँ है उमा और गौरी से। और तभी उमा कहती है, हमारे आई बाबा हमारे साथ नहीं रहते। और फिर गौरी बताती है, हमारे माता पिता निर्धन है और साहूकार के ऋणी भी। हमारे घर में एक कौड़ी नहीं थी जिससे माता पिता हमारा पालन कर सकें, हमारा विवाह कर सकें। इसलिए उन्होंने साहूकार की पत्नी से हमें काम पर रखने के लिए विनती की, किंतु हम बेबस हैं, क्योंकि जब तक हमारे विवाह के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो जाती हमें यही रहना है। और फिर आगे गौरी कहती है, देखो मेरी बहन के हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं। और फिर उमा दिखा रही होती है अपने हाथों को और भार्गवी देख रही होती है उमा के हाथों के छाले को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है, इतना कठोर परिश्रम कैसे कोई करवा सकता है, ये तो अनुचित है और विवाह के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है। और बताती हैं आगे भार्गवी, मंदिर में जाकर फेरे लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर भी तो विवाह किया जा सकता है ना। और फिर गौरी बताती है, इस गांव में स्त्री धन लिए बिना विवाह नहीं होता और माँ बाबा ने वर तो निश्चित कर दिया है, किंतु स्त्री धन के लिए सारा धन हमें ही जुटाना है। और फिर उमा कहती है भार्गवी से, और सबसे दुख की बात तो ये है कि ताई तो ये विवाह करना ही नहीं चाहती। और उमा फिर बताती है आगे, वो तो किसी और से प्रेम करती है। और फिर भार्गवी पूछती है, क्या ये सत्य है गौरी? और फिर गौरी कहती है, हाँ। और फिर आगे गौरी बताती है, लेकिन प्रेम से क्या होता है? एक निर्धन कन्या के प्रेम का इस समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यदि मैंने प्रेम विवाह किया तो मुझे भी गांव वाले ऐसे निकाल देंगे जैसे आपको निकाला गया था। तभी भार्गवी स्मरण कर रही होती है, हम जान नहीं लेते कि तुम्हारा पति कौन है, तब तक निश्चित नहीं हो सकता कि तुम्हें करबीरपुर में शरण मिलेगी या नहीं। और बताती है गौरी, आज भोर में साहूकार की पत्नी कह रही थी कि आप एक चरित्रहीन स्त्री हैं और किसी को आपसे बात नहीं करनी चाहिए। और फिर गौरी कहती, किंतु आप तो बहुत ही निर्भय और साहसी हो, आपने सबके सामने स्पष्टता से कह दिया कि आप किसी से प्रेम करती हो और उसके साथ आपका विवाह हुआ है। और फिर भार्गवी स्मरण करती है, भार्गवी कहा होता है कि मेरा विवाह तो हुआ है किंतु मेरे पति मेरे साथ नहीं है। और फिर गौरी कहती है, किंतु मुझ में वो साहस नहीं है भार्गवी ताई। और कहती है, आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए हाथ जोड़ के मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर उमा कहती है, जब से आप उस घर से लौटी हैं तब से ताई ने कुछ भी नहीं खाया है, जल तक ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें दुख था कि उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया। और फिर भार्गवी देखती है उमा और गौरी को रो रहे होते हैं। और फिर भार्गवी कहती है, देखो मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, क्या हम साथ में मिलकर भोजन ग्रहण करें? और फिर भार्गवी उमा और गौरी को भोजन खिलाती हैं और फिर गौरी भी भार्गवी को भोजन खिलाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, वैसे मैं एक बात कहूँ, आज मैं जब गांव में उमा को ढूंढ रही थी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ के लोगों में इतनी लालसा है, कितने स्वार्थी हैं वो। ऐसे में तुम जैसे पवित्र मन की कन्याओं का होना मुझे थोड़ा विचित्र लगा, कैसे इतना संकट मोल लेकर तुमने मेरी सहायता कर दी, ये ज्ञात होते हुए भी कि गांव वाले तुम्हें हाथ कर सकते हैं। और कहती है भार्गवी, कल भी तुम दोनों ने मेरी सहायता की, क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? और फिर गौरी भार्गवी से कहती है, उस दिन जब मैंने गांव की बैठक में आपको देखा कि कैसे आपने दृढ़ता से अपना प्रेम स्वीकारा। और तभी भार्गवी स्मरण करती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपकी समस्या क्या है, जब ना विवाह पवित्र है और ना ही प्रेम, फिर कठिनाई कहाँ है? और फिर आगे गौरी कहती है, मुझे आपकी वाणी में एक पीड़ा दिखी
जो एक सच्चे प्रेमी को भोगनी ही होती है। लगा कि हम दोनों में इस पीड़ा का संबंध तो है ही, इस पीड़ा के लिए ही सही हम मित्र तो बन ही सकते हैं, और मित्रों की सहायता तो करनी ही होती है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था? क्या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा? क्या जिससे आपने प्रेम किया, क्या वो एक अच्छा मनुष्य नहीं? तभी एकदम भार्गवी अपना हाथ गौरी के मुख पर रख देती है और कहती है, ऐसा कभी मत कहना। और कहती है आगे भार्गवी, वो एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और मुझसे असीम प्रेम करते हैं। और फिर तभी गौरी कहती है, और आप? और फिर भार्गवी कहती है, और मैं? मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब मुझे उससे प्रेम हो गया। जैसे वायु के आने के पूर्व हमें ज्ञात नहीं होता कि कैसे वो हमारे मन को मुक्त कर देने वाली है, जैसे वर्षा के आने से पूर्व हमें ज्ञात नहीं होता कि कैसे उस वर्षा का जल हमें पूर्ण रूप से भिगो देगा, ऐसे ही वो आया और आता ही चला गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, प्रतीत होता है कि जैसे हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है। आज भले ही हम साथ में नहीं हैं, किंतु आज भी मैं उससे उतना ही प्रेम करती हूँ, अटूट प्रेम करती हूँ। उससे मिलने के पश्चात मुझे प्रेम का अर्थ समझ में आया, मेरे जीवन का अर्थ समझ में आया। अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भी समस्या को सुलझा सकती हूँ उसके प्रेम के साथ। और तभी उमा कहती है भार्गवी से, तो फिर आप उसे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? और फिर भार्गवी कहती है, ये समझ लो कि मुझे उसके प्रसन्नता के लिए उसे वहाँ छोड़कर आना पड़ा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी गौरी का हाथ लेकर कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ गौरी कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिले और तुम्हारा विवाह शंकर के साथ ही हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी नारायण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, हे नारायण, यदि मैंने श्रीनिवास से सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि गौरी और शंकर को एक करके ही रहूंगी। और श्रीनिवास सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गौरी और उमा भार्गवी के हृदय से लग जाते हैं और फिर भार्गवी गौरी के नेत्रों के आंसुओं को पोंछती हैं। और फिर गौरी कहती है, मुझे ज्ञात नहीं कि आप ये प्रण कैसे पूर्ण करेंगी, किंतु मुझे आप पर अटूट विश्वास है भार्गवी ताई। और फिर भार्गवी कहती है, वैसे ज्ञात तो मुझे भी नहीं है कि ये प्रण मैं कैसे पूर्ण करूंगी। और कहती है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। और फिर नारायण कहते हैं, मैं तो जीवन के हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ भार्गवी, और अब तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य भी मिल चुका है। और कहते हैं, जिसको तुम्हें ढूंढना है ढूंढने दो, जितने प्रयास करने हैं उसे करने दो, और उचित समय आएगा तो तुम्हारा ये श्रीनिवास तुम्हें शीघ्र ही ढूंढ लेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर श्रीनिवास कहते हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य आरंभ हुआ है इस कन्या गौरी के साथ। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, ये भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण थी, पीछे मुड़कर मत देखना, अब आगे देखना। अब चाहे जो कुछ भी हो, मेरी श्री को इस संसार को प्रेम समझाना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती मंदिर में होती हैं और नारायण के समक्ष कहती हैं, हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं श्रीनिवास से कितना प्रेम करती हूँ, उन्हें पाना एक स्वप्न था और मेरा स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित हो गया है। अब बस इसी प्रकार मैं उनका प्रेम भी पाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना है ये मैंने सोच भी लिया है। बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी, आज प्रातःकाल मंदिर में पूजा करने के लिए आए, आज क्या विशेष दिवस है? आज आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं, ऐसा क्या विशेष होने वाला है आज? और फिर बताती हैं राजकुमारी पद्मावती, श्रीनिवास की इच्छा का मान रखकर मैंने उन्हें प्रसन्न कर दिया, वो भार्गवी को खोजना चाहते थे
और बताती है मैंने अपने श्रेष्ठ रक्षक भेजे हैं उसे खोजने के लिए। बस आशा करती हूँ कि जिस प्रकार मैंने उनकी इच्छा का मान रखा है वो भी मेरी इच्छा का मान रखेंगे। और फिर राजकुमारी की सखियाँ कहती हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि श्रीनिवास आपकी इच्छा स्वीकारेंगे? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैंने भार्गवी को ढूंढने का वचन इसीलिए दिया है कि मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं, अन्यथा भार्गवी कहाँ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। किंतु मैं तो भार्गवी की इस बात का सहारा लेकर श्रीनिवास से अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। और तभी सखियाँ कहती हैं, अद्भुत राजकुमारी, हम भी यही सोच रहे थे कि आपने अपने श्रेष्ठ रक्षक क्यों उसे ढूंढने के लिए भेजे होंगे, किंतु अब सब समझ में आ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही श्रीनिवास का प्रेम भी जीत लेंगी। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे और श्रीनिवास के बीच अब कोई भी ना आए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।